सर फिल्म के बारे में आपने क्या क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? क्या बोलना फिल्म के बारे में? प्रोडक्शन नंबर वन है गौरी क्रिएशंस नाम पे, हिंदी में भोजपुरी में फर्स्ट मूवी था। अभी नाम फाइनलाइज नहीं करे। फर्स्टली वो पाकि एकडे को थैंक्स बोलना, हमारा सुपर साहब जाके बोलने के बाद इमीडिएटली एक्सेप्ट करे उन सेकंड इनिंग्स के लिए। ऑलमोस्ट 5 ईयर्स गैप आ गया। हमारा शिवशंकर वो तेलुगु में बहुत एक्सपीरियंस था, पिक्चर्स 2-3 पिक्चर्स हो गए मेरा प्रोडक्शन, इसके पहले आर्टिस्ट था हूँ मैं। हमारा श्रीनिवास घंटा श्रीनिवास बोल के दो मूवी निकाल दिया। एक मूवी लास्ट ईयर आ गया, एक मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में है, डबिंग भी हो गया। उसके बाद सुब्बारा साहब मिला, सुब्बारा साहब आए तो आके भोजपुरी का बोला मेरे को, बोलने के बाद मेरे को स्टोरी पसंद है, बहुत पसंद आ गया, इसलिए इमीडिएट स्टार्ट कर रहे वो भोजपुरी। भोजपुरी बोलने का नहीं, सब्जेक्ट बोल साउथ से। फिल्म बनाने कैसे सोचा आपने? तेलुगु में रामानायडू साहब एक इंटरनेशनल पूरा लैंग्वेज में पिक्चर्स बनाए हुए, उनको एक पिक्चर बज गया, वो पिक्चर का सुब्बारा साहब डायरेक्ट किए। हमारा तेलुगु इंडस्ट्री में रामानायडू साहब बोल। मेरा सवाल आपसे है, साउथ फिल्में जो होती हैं तमिल और तेलुगु बहुत एक्शन भरी होती हैं। हाँ, एक फाइट हीरो मारता है तो खलनायक चार बार उछलता है। उस तरह से कुछ मसाला भोजपुरी में एक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि हमारे प्रोड्यूसर साउथ के ही हैं? तो क्या इस तरह से कुछ नया देखने को मिलेगा भोजपुरी दर्शकों को? एक्शन फिल्म बन रही है साउथ में, अगर उस तरह से कुछ भोजपुरी में भी आ जाए तो मेरे को अच्छा। पसंद क्या है, बजट कंट्रोल में था भोजपुरी में, हमारा साउथ इंडियन लैंग्वेज में बजट कंट्रोल नहीं था, ये भोजपुरी में बहुत कंट्रोल में था पिक्चर्स। ये एक पिक्चर में नहीं है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तैयार करके आया मैं, तैयार करने का भोजपुरी में निकलने का मूवी। क्योंकि आपका एक्टर जो है वो भी एकदम नवयुवक है, एकदम नई एज का है, तो कहीं ना कहीं सूट करेगा, साउथ से मिलता जुलता बंदा है वो, तो एक्शन सीन फाइट सीन देखने को मिलेगा भोजपुरी दर्शकों को। ये सुना चलिए, और कुछ चीज को करना चाहिए। क्या शुभकामनाएं आपकी हैं प्रोडक्शन नंबर वन के लिए? मेरा नाम तो घंटा श्रीनिवास है, मैं तेलुगु फिल्म बहुत बनाए है। एक फिल्म को मेरे को स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड में आए, सीन वाइटला बोल के डायरेक्टर और रवितेजा बोल के, रवितेजा को पहले बार इंट्रोड्यूस किया तेलुगु में, फर्स्ट मूवी उसको डायरेक्टर को और हीरो को मैं इंट्रोड्यूस किए, वो बहुत अच्छा तरह से फिल्म आया, बहुत अच्छा तरह चले। साउथ के और एक्टर एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में आना चाहें और फिल्म बनाना चाहें, एक्टिंग करना चाहें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये भोजपुरी हिंदी के बाद बहुत बड़ा मार्केट है, इसको अभी तक क्यों ऐसा है बोलते मेरे को मालूम नहीं। अभी मैं वो इतना मार्केट है पूरा टच करेंगे, पब्लिसिटी बिल्कुल बराबर प्यार से पब्लिसिटी भी करेंगे भोजपुरी के बारे में, पब्लिसिटी पूरा देने के बाद रिलीज करेंगे, वो पूरा प्लान लगाएंगे, पब्लिसिटी ऐसा बनाएंगे, फिल्म ऐसा रिलीज करेंगे, ये फंक्शन ऐसा करेंगे, तेलुगु में जैसे करते हमें ये पूरा इसमें करते तो जरूर फिल्म हिट हो जाते। साउथ के एरिए में भोजपुरी को लोग समझे जाने, फिल्में देखें, उसके प्रचार प्रसार के लिए आपने क्या कुछ किया? साउथ में भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग जाने, फिल्में देखें, उसके एडवर्टाइजिंग के लिए आपने क्या कर सकता है? वही बोल रहा मैं, इधर बराबर पब्लिसिटी नहीं दे रहे, बराबर। तो क्या इसको साउथ में भी डबिंग करेंगे? हाँ, वो कैसे भी करते हैं बिकॉज वी आर फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री नो, सो उधर कैसे चलते ये अलग बात है, पर इधर इट शुड बिकम सुपर हिट। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी प्लान्ड ईच एंड एवरीथिंग। तो 2020 में ही दर्शकों के बीच फिल्म आ जाएगी दिस फिल्म? यस, पक्का। इसका शूट कब से चालू हो रहा है सर?
कहाँ हो रहा है, लोकेशन क्या है? साउथ में। थैंक यू सर।